मंडल स्वाघाट के काथला गांव की एक महिला को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाघाट में तैनात चिकित्सक तथा अन्य कर्मियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला के पति छोटू राम ने बताया कि उनकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन कर बुलाया। एम्बुलेंस सेवा तो समय पर पहुंच गई, लेकिन बीमार महिला को मुख्य मार्ग तक लाने के लिए काफी लंबा समय लग गया, क्योंकि काथला गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को बरसात के मौसम में मरीजों को पालकी में उठाकर लगभग 3 किलोमीटर मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है। छोटू राम ने बताया कि मरीज बीमार हुआ, उसके लिए ना गाड़ी ना कुछ नहीं जाता है। उधर हमने पालकी की, आदमी इकट्ठे किए गांव के, तब 2 किलोमीटर पहुंचाई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों ने देखी नहीं हमारा मरीज, कोई सरकार सुनवाई नहीं करती, कोई सरकार कोई रोड नहीं हमारा पूछता है, कोई और नहीं भाई क्या तकलीफ है। जब वोट चाहिए हो तब आते हैं, वोट चाहिए हमको, हम किस चीज का वोट देंगे। मतलब सरकारी गाड़ी, सरकारी गाड़ी जब कोई फर्स्ट एज करके स्वर्गट गए, पाठ के था उसी डॉक्टर कोई था नहीं, वो बाहर नहीं निकला। 3 बार गया मैं, इसके किसी कुर्सियाँ पर तेने उठा नहीं, बोलता मैं टीका भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता है। जब तय मुक्की नहीं, फिर जो गुस्सा आएगा फिर बोला मैं भाई तू देख ही नहीं सकता, तहाँ नहीं रुक गया चौथी मेरे कुर्सी पर। फिर लगा छाती दबाने, फिर बोलूँ खत्म में मैं बोले तू जो पहले क्या बोल हमें भाई देखी तो लै चेक कर ले टीका लाने जो नहीं मनिया, बोलता टीका कोई नहीं लगना ना मैं लाना, मैं लगा नहीं लगा से दूसरी बार नीति वापस। फिर कहाँ उठा, फिर 4 बार बोलने थे कुर्सी पर, तेने उठा नहीं।